Okay, let's go. सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मैं अपने चैनल के रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच में ऑलमोस्ट एक महीना एक्टिव नहीं था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और उसके बाद पार्ट टाइम मैं बिजी था। तो आज मुझे टाइम मिला वीडियो वापस से बनाने का। तो आज की वीडियो वापस से जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसके रिलेटेड होगी, क्योंकि अब जो नेक्स्ट इनटेक है वो सबसे मेन इनटेक होती है आयरलैंड की, सितंबर इनटेक। तो ये एक दो महीने जो जून जुलाई इनमें अप्लाई करना वन ऑफ द बेस्ट टाइम, जो कि बंदा वीज़ा अप्रूवल और मेन इनटेक में बंदा आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, मैं खुद इसी इनटेक में आया था। तो सारी वीडियो की डिटेल वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ, बैचलर से शुरू करके मास्टर पे जाके ख़त्म करूँगा। अगर आप मास्टर वाले हो तो थोड़ा सा स्किप कर लो। अगर आपने अपनी FSC कंप्लीट कर दी और आप सोच रहे हो कि किसी बाहर कंट्री मूव होने के लिए, तो मैं आपको आयरलैंड की सारी डिटेल इस वीडियो में बताता हूँ कि आप आयरलैंड में कितने आइल्स और वो सब कुछ सारी डिटेल वन बाय वन मैं बताता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आजकल बंद है मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए, लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और कैनेडा ने भी 50% स्टूडेंट्स कम किए हैं। तो इससे के बाद ऑप्शन थोड़े ही बचते हैं, जो कि न्यूजीलैंड है, उसमें भी बहुत कम वीज़ा रेशियो है ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों के लिए। एंड उसके बाद जो लास्ट टू ऑप्शन है आपके पास है जर्मनी, UK, आयरलैंड, मतलब ये यूरोप वाला साइड आ जाता है। UK में तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। मैं पर्सनली खुद ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ल के बाद UK नहीं जाना चाहता था, क्योंकि UK में से जो स्टूडेंट की सिचुएशन है वो थोड़ी ख़राब चल रही है, तो इसलिए मैंने आयरलैंड चूज़ किया था। और जर्मनी में आपकी स्कॉलरशिप लग गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उधर जाके आपका खर्चा भी ज़्यादा होना है, और इसके साथ साथ आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जर्मन लैंग्वेज भी बहुत हार्ड है, लैंग्वेज बैरियर भी होता है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द आयरलैंड। आयरलैंड में आयरिश नहीं बोली जाती, जस्ट इंग्लिश बोली जाती है। 90% लोग इंग्लिश बोलते हैं और 10% आई डोंट नो कौन सी ज़्यादा ज़बान बोलते हैं, गैलिक बोलते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर द बैचलर। मैं इनकी वेबसाइट से बताऊँगा, मैं अपने से कुछ नहीं बताता, तो इनकी मैं वेबसाइट से सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्राइटेरिया क्या है बैचलर वालों के लिए, इनका क्राइटेरिया है कि आपके 6 बैंड्स होने चाहिए, PTE के नंबर, ड्यूलिंगो, इनके यहाँ सब एक्सेप्टेबल है, मतलब सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए और थोड़ी फ्लुएंट आनी चाहिए। आप इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ये IELTS भी एक्सेप्ट करते हैं, PTE भी, ड्यूलिंगो भी, लैंग्वेज सर्ट कुछ करके होते हैं, जितने भी इंग्लिश के कोर्स हैं, ऑक्सफोर्ड कोर्स होते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट होते हैं आयरलैंड में। अगर आपके FSC में, लाइक FSC किए जो भी किए, उसमें आपके 50 से ऊपर हैं, लाइक 55-60% मिनिमम इतने रिक्वायरमेंट है, और जो ऑफिशियल रिक्वायर्ड हैं वो 60% है, बट 50 से 56-57 उस पर भी हो जाता है, और 60 से ज़्यादा हैं तो वेल एंड गुड। ये हो गया आपकी परसेंटेज जो FSC में अप्लाई करने का क्राइटेरिया। इसके बाद आता है अब सबसे मेन चीज़, आपका कॉलेज चूज़ करना या यूनिवर्सिटी चूज़ करना। आप आयरलैंड में अगर आप मिनिमम में आ रहे हो तो मिनिमम में आपको सबसे कम मिलेगा 7,000 यूरो में एडमिशन, और मतलब पहले साल की पूरी फीस दे के आनी है, आधी फीस या इंस्टॉलमेंट पे वो नहीं होता आयरलैंड में, अदरवाइज आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ फीस पे वीज़ा ही नहीं देते। एक दो लड़के थे जिन्होंने हाफ फी पे की थी, अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, मुझे इंस्टा पे उनका मैसेज आया था। तो इट इज़ बेटर टू पे फुल फीस इफ़ यू अप्लाई फॉर द वीज़ा। और आपने अगर कॉलेज की लिस्ट देखनी है कि कौन से कॉलेज में मिनिमम फीस है और कौन से कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फीस है तो वो कॉलेज बेटर है, अगर कम फीस है तो वो कॉलेज एवरेज है। तो अगर उसकी आपने डिटेल देखनी है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक भी कर सकते हो फुल डिटेल। तो अब कॉलेज के बाद आते हैं कि हम अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने का दो सिंपल से प्रोसीजर है, एक है आप किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करो या फिर आप खुद अप्लाई करो। अगर आप खुद अप्लाई करो तो उसमें लाइक कुछ खामियां निकल सकती हैं, और अगर आप कंसल्टेंट से करो ऐसे बंदे से करना जिसको आयरलैंड का पता हो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम है जिनको आयरलैंड का पता है, ज़्यादातर UK की फाइल उठा के आयरलैंड में लगा देते हैं और रिफ्यूज़ल आ जाता है। और आयरलैंड का अगर एक भी
कुछ भी पॉइंट मिस हुआ तो रिफ्यूज़ल लग जाता है, सिंपल सी बात है। यूके में इजीली स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, बट आयरलैंड में इजीली नहीं मिलता। आयरलैंड हर चीज़ देखते हैं और कभी कभार ये स्टेटमेंट और ये सब कुछ चेक भी करते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं है। चले अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए आ रहे हो तो आपके पास स्टेटमेंट कितनी है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या है, आपने चीज़ें वेरीफाई किधर से कराई हैं, लाइक सारे डॉक्यूमेंट जो आपकी डिग्रीज वगैरह, तो उस पर बात करते हैं। FSC वालों के लिए सबसे पहले आपने जो आपकी डिग्री होती है, मतलब सनत होती है, और आपकी DMC होती है, और आपके जो और FRC ये सब होते हैं, वो आपने वेरीफाई कराने होते हैं IBCC से, फॉरेन ऑफिस से, और MoFA से। आई थिंक ये तीन होते हैं, दो तीन चीज़ें होती हैं जो अप्रूव करानी होती हैं, पहले अपने बोर्ड से, उसके बाद जाके IBCC उधर, और उसके बाद जाके अपने फॉरेन ऑफिस से सब पे स्टैंप लगवानी होती है, FRC, अपना डिग्रीज जो सनते हैं और वो सब कुछ होते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो आयरलैंड के लिए। अब आते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट की बात। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आयरलैंड के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर अगर आपकी फाइनेंशियल वीक है या फिर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो फाइनेंशियल पे आयरलैंड के वीज़ा फाइल करने के लिए, तो प्लीज़ 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 डोंट अप्लाई, अदरवाइज यू विल गेट डायरेक्टली रिफ्यूजल। देयर इज नो एनी चांस कि आप कॉम्प्रोमाइज़ फाइनेंशियल पे करके वीज़ा सिक्योर कर लोगे, नो। बिकॉज ये वीज़ा देते ही, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं, जो मतलब 100% तो नहीं, 90% आप बोल सकते हो कि इनका जो वीज़ा लगता है वो लगता है स्टेटमेंट बेस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि मैं खुद ये देख चुका हूँ। मेरे से कितने लोगों ने इंस्टा पे मैसेज करके पूछा, जिनके रिफ्यूज़ल लगा, उनके रिफ्यूज़ल लेटर मेरे पास हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है योर फाइनेंशियल सपोर्ट, योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, वही अच्छे नहीं है, मतलब उसको ज़्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, और स्टेटमेंट कम है, आपको वापस जाने का इरादा नहीं रखते आप। अगर आपको सेपरेट स्टेटमेंट पे वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाओ, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने स्टेटमेंट के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है कि कितनी स्टेटमेंट चाहिए, नहीं तो मैं अब जस्ट सिंपल इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको बैचलर के लिए पर ईयर 10,000 यूरो खर्चा होना चाहिए, और उसके बाद फीस होनी चाहिए आपकी, और उसके बाद अगर जितने साल की आप स्टडी कर रहे हो उतने साल का आपके पास पैसा होना चाहिए। सिंपल और क्लियर बात करूँ तो अगर आप बैचलर, इधर बैचलर होता है 3 साल का, अगर आप 3 साल के बैचलर के लिए आ रहे हो, कुछ कुछ 4 साल का भी होता है, अगर आप 3 साल के बैचलर के लिए आ रहे हो तो आपके पास 30,000 यूरो एक्सपेंस होना चाहिए 3 साल का, और उसके बाद आपकी फ़ी, अगर आप किसी कॉलेज में आ रहे हो जिसकी फ़ीस 10,000 यूरो है, तो आपके पास 3 साल की फ़ीस, 1 साल की पाकिस्तान से पे करके आओगे, 2 साल से 2 साल की और होनी चाहिए। इट्स मीन 30,000 फॉर द एक्सपेंस एंड 20,000 फॉर दी योर कॉलेज फीस, सो दैट्स वाई यू शुड हैव 50,000 यूरो इन योर अकाउंट एज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ, जो कि आप उनको प्रूफ दोगे कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम बाहर पढ़ने आ रहे हैं। ये सबसे आयरलैंड की बुरी बात है, अगर आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आई एम रियली सॉरी, आप वीज़ा नहीं अप्रूव करा सकोगे या आप अपना वीज़ा नहीं सिक्योर करोगे। आपको मैं ये चीज़ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बताता हूँ, मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है, मैं इसके स्क्रीनशॉट भी लगाता हूँ। इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि आपके 30,000, फॉर एग्जांपल मैं 30,000 बोल रहा हूँ, आपकी 10,000 पर ईयर होना चाहिए आपके पास एक्सपेंस। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आयरिश आयरलैंड स्टडी कुछ करके, irishstudy.com, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो। उस पर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर, उस पर सब कुछ है, आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो स्टेटमेंट की बात आपको आई होप क्लियर होगी है, आई थिंक। अगर नहीं हुई तो आप वीडियो देखो, डिटेल वीडियो, उसमें मैंने पॉइंट 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 से डिस्कस किया हुआ है। ये मैंने जस्ट सिंपल बताया कि इतना खर्चा होगा स्टेटमेंट का, और फीस का भी आपको अगर सारी फीस वीस सब कुछ मिला के मैं आपको बताऊँ, आपका कम से कम पाकिस्तान से आयरलैंड सबसे सस्ते में आ रहे हो, अगर सबसे सस्ते में एवरेज कॉलेज में आ रहे हो, तो आपका तकरीबन 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 30 लाख पाकिस्तानी कम से कम लगेगा। 30 लाख जब मैं आया था, 30 लाख तब लग रहा था, और अब
अगर आप एवरेज कॉलेज में आ रहे हो, लाइक सारे खर्चे मिनिमाइज करके, बहुत कम कम करके ना, फिर भी 30 लाख से कम, उसमें आयर्स नहीं आता, उसमें उधर की फाइल बनाना वो सब कुछ नहीं आता, सिर्फ आयरलैंड का फीस और जो और सारे खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस वो सब कुछ, वो आएगा 30 लाख। आपने 6-8 हज़ार फीस देनी है, उसके बाद इंश्योरेंस लेनी है, उसके बाद ट्रेवल करना है साथ में, मतलब और थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, इधर जाना उधर जाना, ये टेस्ट करा दिया, और फाइल बनाने के अलग से होते हैं पाकिस्तान में। अगर आपने स्टेटमेंट किसी से रखवाई, उसके अलग खर्चे होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सीधी रियलिटी बता रहा हूँ, मैं आपको ख्वाब नहीं बता रहा। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आयरलैंड में स्टडी बहुत मुश्किल है और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपने अच्छे बनाए हुए हैं। उसमें यह होता है कि आपने इनको शो कराया, हमारे पास इतने एसेट्स हैं, इतनी हमारे पास फाइनेंशियल ज़मीन है, हमारे बाप का बिजनेस है, या हमारे जो मेरे फादर हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या कुछ भी, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि आप आयरलैंड में स्टडी करके वापस जाओगे। अगर आप वापस जाओगे तो इनको वीज़ा देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप SOP लिखोगे, SOP में वन बाय वन एक्सप्लेन करना कि ये चीज़ें, अपना इंट्रोडक्शन सब कुछ, वन बाय वन इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो सब कुछ होते हैं आपकी SOP में आते हैं। उसके बाद वाई यू वांट टू स्टडी इन आयरलैंड, वाई यू चूज आयरलैंड, वाई यू यू आर नॉट गोइंग टू अदर कंट्रीज, वो सब कुछ SOP में, वो सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में अपना कंक्लूजन लिखने, ये होता है बेसिक सी चीज़ें जो कि आपके कंसल्टेंट बताते हैं। अगर नहीं तो उसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फाइल कैसे बनाते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कर लो, अगर हुए कमेंट तो मैं बता दूंगा। जो मैंने अपनी फाइल बनाई थी, और क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया से 3 रिफ्यूज़ल लिए थे, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था इस चीज़ में कि फ़ाइल कैसी बनानी है, फ़ाइल में क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या नहीं ऐड करना। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए, आप कमेंट करो, मैं वो वीडियो बना दूंगा। अभी बात करते हैं मास्टर्स की। अगर आप मास्टर्स में आ रहे हो तो मास्टर्स में आपको इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, स्टेटमेंट आपकी जस्ट 10 हज़ार की चाहिए होती है, क्योंकि आपने 1 साल का मास्टर्स है, 1 साल का मास्टर्स करने के लिए आपको 10 हज़ार यूरो चाहिए होगा, जो कि मंथ एनुअल मतलब ईयरली एक्सपेंस होते हैं, वो आपको 10 हज़ार यूरो इनको शो करना है। तो इट इज़ बेटर कि ज़्यादा शो करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10 हज़ार यूरो शो करने, आप 15 हज़ार यूरो शो करो, जो 15 हज़ार यूरो तकरीबन 40 से 45 लाख बनते हैं, वो आप अपने बैंक में 6 महीने की ओल्ड स्टेटमेंट शो करोगे। तो उसके बाद उनकी जो फीस होती है, मास्टर्स की थोड़ी ज़्यादा फीस होती है, बट मास्टर्स 1 साल के ही होते हैं। अगर आप 1 साल के मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपने पाकिस्तान से फ़ी पे करके ही आनी है, अदरवाइज वो इंस्टॉलमेंट और उधर आके पैसे देना, ये वाला हिसाब आयरलैंड का नहीं होता। तो आपने पाकिस्तान से 1 साल की फ़ी पे की, आपने 10 हज़ार यूरो शो कराए, तो आपका वीज़ा चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। और मास्टर्स करने के बाद आपको 2 साल का इधर वर्क वीज़ा मिलता है। और मैं बताना भूल गया, आप अगर बैचलर करोगे, बैचलर के बाद आपको 1 साल का मिलेगा, 1 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, जैसे PSW बोलते हैं। और मास्टर्स करने के बाद आपको 2 साल का मिलता है, जो कि खर्चा उसका नहीं शो करना होता, क्योंकि आप वो PSW लेने के बाद आप इधर फुल टाइम जॉब कर सकते हो, जॉब करके आप खुद अपना खर्चा निकाल सकते हो। तो मास्टर्स के लिए जो है काफ़ी चीज़ें ईजी हैं, स्टेटमेंट कम है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कम शो कराने होते हैं, उसके बाद 1 साल की फ़ी पे की, और 1 साल ऐसे गुजरते हैं, उसमें 3 3 महीने से छुट्टियाँ होती हैं, पीछे बचे थोड़े से 9 महीने, 9 महीने आपने पढ़ना होता है, पढ़ाई टाइट से की, जॉब अगर आपको स्किल्स हैं तो आप जॉब ले ली तो वेल एंड गुड, उसके बाद PR की अलग से वीडियो है, वो भी देख लो। तो मास्टर्स वालों के लिए ये सब था। मास्टर्स वालों की इतनी मतलब इतनी लंबी पंचायत नहीं है, मास्टर्स वालों के लिए भी ये सारे डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वेरीफाई कराने होते हैं, जो अपनी डिग्रीज हैं अपने कॉलेज से। और हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रांसक्रिप्ट पे आपको एडमिशन नहीं मिलता, जो कि जितनी मुझे पता है, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, आपको ट्रांसक्रिप्ट पे एडमिशन नहीं मिलेगा किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, अनटिल आपके पास डिग्री होगी, जो कि ऑफिशियल डिग्री होती है, तो उसके बाद आपका एडमिशन हो सकता है, और उसके बाद आप इधर फ़ी पे कर सकते हो। फ़ी पे करने के लिए भी डिफरेंट बैंक के मेथड हैं, और वेस्टर्न यूनियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट, आई एम गोना रिप्लाई यू व्हेन एवर आई एम फ्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बताता हूँ जॉब की रिलेटेड, आजकल आयरलैंड में जॉब सिचुएशन क्या चल रही है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पार्ट टाइम जॉब एंड फुल टाइम जॉब।
अल्लाह हाफिज़।